साल 1942, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्या पुरुष, क्या औरतें सारे स्वदेशी भारत छोड़ो आंदोलन में जूझ पड़े थे। उसी साल 29 सितंबर बंगाल के मेदिनीपुर जिला के लगभग सारे पुलिस थानों पे कब्जा करने का अभियान किया गया। उसी दिन तमलुक शहर पे कब्जा करने के लिए 5 ओर से 5 जलूसों में शामिल होकर स्वदेशी तमलुक शहर पहुंचे। जलूस में शामिल स्वदेशी को प्रेरित करने के लिए श्री अजय मुखर्जी ने बीच रास्ते में भाषण दिया। आज हमें मिलके तमलुक कोर्ट दखल करना है। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तमलुक कोर्ट। संतान हो, अरे अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो, अपनी धरती, अपनी माँ के लिए तन मन से एक बार बोलो वंदे मातरम। कर मातंगनी हाजरा जमीन पर गिर पड़ी। ये खबर सारे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। महात्मा गांधी के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी, इसीलिए लोग उन्हें गांधी बूढ़ी कहते थे। 1945 के दिसंबर में मेदिनीपुर के महिषा दल में गांधी जी आए तो इस बारे में सुनकर उन्हें भी विस्मय हुआ था। इसी तमलुक थाने के होगला गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता ठाकुरदास माइती एक गरीब किसान थे, माँ का नाम भागवती देवी। गरीबी के कारण मातंगनी को पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला। यही है वो गांव आलिनान,
इसी घर के 60 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा के संग 12 साल की मातंगिनी का विवाह हुआ था। भरा पूरा घर था, मगर सुख ज्यादा दिन न रहा। बहुरिया, ओ बहुरिया। 18 साल की ही उम्र में निसंतान अवस्था में अपने पति को उन्होंने खो दिया। गाय का दूध बेचकर, धान कूटकर, चरखे पे सूत कातकर अपनी जीविका उन्होंने चलाई। कभी मायके तो कभी ससुराल, इसी तरह उनके दिन कटने लगे। सात्विक जीवन धार्मिक स्वभाव वाली मातंगिनी जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते पता नहीं कब स्वदेशी की राह पर चल पड़ी। स्वदेशी आंदोलन के कार्यों से जुड़ने लगी। पुत्र समान श्री अजय मुखर्जी, जो बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उनके राजनीतिक गुरु थे। इनके अलावा सती सामंत रामेश कौर गोंधार भौमिक भी उनके राजनीतिक राहबर थे। सन 1932 की 26 जनवरी गांव के रास्ते से होकर एक जुलूस जा रहा था। उस दिन वो पहली बार स्वदेशी के जुलूस में शामिल हुई थी। यही थी उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत। सन 1930-32 नमक आंदोलन। गांधी जी की बात पर सारा देश एक हो गया। नमक आंदोलन जरूर सफल होगा। अच्छा, नमक नमक आंदोलन। सन 1933 की 17 जनवरी को तमलूक में गवर्नर जॉन एंडरसन को काला झंडा दिखाया गया। डॉक्टर साहब, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, दूर हट जाओ, छोड़ो, हट जाओ, छोड़ो, हट जाओ। इस अपराध के लिए मातंगिनी को 6 महीने का सश्रम कारावास झेलना पड़ा। इस दौरान उन्हें बहरमपुर जेल में रखा गया था। लौट कर आने पर उनकी मुलाकात देखिए गांव के लोगों से हो रही है। आज ही लौटी गांधी बूढ़ी? हाँ, इतने दिन कहाँ थी? तीरथ पे। गांधी बुड़ी। हाँ? अजय ने बुलाया है। अच्छा, परसों वाले मीटिंग के लिए आना जरूरी है। हाँ। अजय मुखर्जी, सती सामंत, रामेश कौर, गोंधार भौमिक, मातंगिनी हाजरा और दूसरे स्वदेशी लोग मीटिंग कर रहे हैं। देखो, अंग्रेजों से डरना नहीं है। अंग्रेज हम लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। हमारी धरती, हमारी माँ को जंजीरों में बांध कर रखा है, लेकिन हम सब अपनी माँ को आजाद करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अंग्रेजों को भगाकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, चाहे हमें जान क्यों नहीं देनी पड़े। दादा बाबू, फिर कब मिलेंगे? मंगलवार को कृष्णगंज स्कूल वाले मैदान में शाम 4 बजे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। এইযে দখলে দু চার দিন আগে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, অনেক দিন হয়ে গেছে, ভুলে গেছি সব। নেমন্তন্ন ছিল? হ্যাঁ, উনি নেমন্তন্নটা, আমরা ছিলাম বল্লুকের ক্যাম্পে। গুরুধরদা সেইখানে যান, তখন গুরুধরদা অধিনায়ক ছিলেন আমাদের, ওর হাতে নেমন্তন্নটা গেছিল। स्वदेशी हरिपद मंडल सन 1942 के उस दिन जलूस में मातंगिनी देवी के सह यात्री थे। नरेंद्र नाथ राणा, अमूल्य चरण मांकी, नारायण चंद्र कौर। ओ खाइए छिल ओ चालेर गुड़ पिठा और ओ चाल भाजा, छोला भाजा, मटर भाजा। ओटा ओर लाश खावा, आमादेर ओर काछे लाश खावा खेयेछिल आमरा। তারপর ওর সেই কাকুতি মিনপুচি কতবার বলি আমি,
পারিনি সেই সব এ করতে। গান্ধীবুড়ি কি বলেছিল? গান্ধীবুড়ি বললো কারো সঙ্গে তো কারো দেখা হবে না, এই আমাদের শেষ মিলন, এই আমাদের শেষ খাওয়া, বন্দে মাতরম। আরে হরি, তুমি তো কিছু খায়াই নেই, শর্মাতা কিউ হ্যায়? লে বস বস গান্ধীবুড়ি, লে লে আর নেই খাইয়ে, বস 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 আর নেই চাই গান্ধীবুড়ি। হ্যাঁ তুমি খা, আর নেই, আর নেই গান্ধীবুড়ি, রানে তো রানে তো, ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ, खाओगे नहीं तो लड़ोगे कैसे? लास्ट बोलो जे आमार संगे तो आर देखा होबे ना, यही तोमादेर संगे शेष देखा आर आमार शेष। কি করে বুঝলে এটা শেষ খাওয়া? ওই যে থানা দখল করতে যাব সব, তখন তো সব প্রস্তুতি, সেই তখন ডেকে উনি খাওয়ালেন এবং বললেন, মানে সে কথা কি বলবো আপনাদেরকে, বড় দুঃখ কষ্ট হয়ে গান্ধীবুড়ির কথা। ওর শরীরে শক্তি তিনটা গুলির পরে বোধ হয় উনি মারা গেলেন, তবু ডাকছিলেন বলে আয় আমি আছি, তোরা যাস না আয় আমার সঙ্গে। গান্ধীবুড়ি, গান্ধীবুড়ি, গান্ধীবুড়ি হ্যাঁ কে? কোন তবিয়ত ঠিক নেই হ্যাঁ কে? আপকা শরীর তো তপ রাহা হ্যায়, বৈদ্যজি কে ইয়াহ চলকে দবা কিউ নেই লে লেতি? গান্ধীজি, গান্ধীজি, ये खाने से बुखार छूट जाएगा क्या? हाँ, ये खाने से बुखार छूटेगा, देख लेना। ठीक है ठीक है, हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि कल शाम 4 बजे वो अपने गुंधर चाचा के यहाँ मीटिंग है, बुखार कम हो जाए तो जरूर आइएगा। अच्छा, ठीक है, जरूर आइएगा। अच्छा, तो हम लोग चले? हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, चलते हैं। कल 29 सितंबर है, अब हमें तमलुक दखल करना है, विदेशी सरकार को भगाकर हमारी देशी सरकार बनानी है। भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि निडर होकर आप इस अभियान में शामिल हों, आप सब ब्रिटिश पुलिस की गोली के सामने गरज कर मुकाबला करेंगे। वंदे मातरम, 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 गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। तुम नाम मत कहना दादा बाबू, इस जुलूस में मैं जाऊंगी। क्या कहा? मैं जाऊंगी। अंग्रेज गुस्से में है गांधी बूढ़ी, कल गोली भी चल सकती है। तो क्या हुआ? सुनो, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। फिर तुम्हारे गाँव वाली लान से तमलुक 7-8 मील दूर है, इतना रास्ता तुम नहीं चल पाओगी, तुम नहीं आ सकती। दादा बाबू, एक बात, मैं जुलूस में सबसे पीछे रहूंगी, लेकिन जुलूस बिखर गया तो मैं आगे बढ़कर मैं मोर्चा संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। उसी दिन स्वदेशियों ने रात के अंधेरे में रास्ता काटकर पुलिस की गाड़ियों को आने से रोक दिया। जल्दी काट बेटा, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, गांधी बुड़ी, काटता हूँ। टेलीग्राफ के तार भी स्वदेशियों ने काट डाले। जल्दी काट भैया, सुबह होने वाली है। चुप चुप, कोई सुन लेगा, काट तो रहा हूँ। कोई नहीं है, जल्दी कर, दूसरा भी काट। जल्दी उतर, चल चल चल। रात के अंधेरे में पेड़ काटकर स्वदेशियों ने रास्ता बंद कर दिया। लाल मुंह वाले को जाने नहीं देंगे, इनको देश से भगा के ही छोड़ेंगे।
ये साला किसका काम है? ये जरूर स्वदेशियों का काम है। थू! आजादी। उन्नीस के 29 सितंबर के दिन मातंगनी हाजरा ने ब्रिटिश पुलिस की गोलियां सीने पे खाईं और शहीद हो गईं। उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थान पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई। उनको ही समर्पित है ये स्मृति स्तंभ। उनके ही नाम से बना ये आलीनान शहीद मातंगनी भवन बालिका विद्यालय 1973 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहाँ आकर इस स्कूल का उद्घाटन किया था। उनके ही नाम पर समर्पित है मातंगनी पाठागार। शहीद मातंगनी रेलवे स्टेशन, मातंगनी सेतु, शहीद मातंगनी पंचायत समिति और भी बहुत कुछ। उनतीस सितंबर शहीद दिवस पे समाज के विभिन्न लोग माल्यदान करके उन्हें अपनी श्रद्धा भेंट करते हैं। बच्चे भी विभिन्न कार्यक्रम करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आखिरकार अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना ही पड़ा। मातंगनी की आंखों ने सपना देखा था आजादी का। उनकी आंखें तो आजाद भारत नहीं देख पाईं, मगर वो शहीद हो गईं सपने को जिंदा रखने के लिए।